चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं थ्योरी के 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से, जिस तरीके से मुहावरा फेमस है, एक पंथ दो काज, तो ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो एक पंथ तीन काज होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन इसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन हमारे IETI के पेपर के लिए जो हमारे 15 मार्च को होने वाला है, UP मेट्रो का पेपर जो हमारा 17 अप्रैल को होने वाला है, 17/4 को होने वाला है, और बोर्डिंग टेक्नीशियन का पेपर जो हमारा 25/4 को होने वाला है, ये तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए देर मत करें, क्वेश्चन पढ़ें और एक पंथ तीन काज करें। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा बोल्ट जिसका हेड नहीं होता है या बिना हेड के होता है? तो बिना हेड के जो बोल्ट होता है उसे हम हेड रहित बोल्ट कहते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, रहित का मतलब जो चीज ना हो उसे हम हेड रहित बोल्ट कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दोनों भुजाओं पर चूड़ी रखने वाले फासनर को क्या कहा जाता है? जिसकी दोनों भुजाओं पर चूड़ी होती है तो उसे हम स्टड कहते हैं। जो हमारा स्टड रहता है, स्टड में दोनों तरह चूड़ियाँ होती हैं, तो इसे दोनों भुजाएं कह देते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत उपकरण उपयोग किए जाने वाले अधिकांश स्क्रू चूड़ी के नाम पर आधारित है, यानी विद्युत उपकरण में जो चूड़ी उपयोग होती है वो महीन चूड़ी होती है, और चार ऑप्शन में से सबसे महीन चूड़ी जो हमारी है BA थ्रेड है। तो BA थ्रेड का उपयोग स्क्रू में चूड़ी काटी जाती है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में स्क्रू लगता है। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाता है, रेडियम लिखा है, इधर रेडियस होना चाहिए। रेडियस गेज का उपयोग के आकार को चेक करने के लिए किया जाता है। तो रेडियस गेज जो होता है ये हमारे आंतरिक व्यास को भी चेक करता है, बाहरी व्यास को भी चेक करता है। तो इसमें आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं, इसमें दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। आप इंग्लिश देखोगे तो इसमें एक ही कोई होगा, तो मैं अभी इसका आंसर दोनों पे टिक कर देता हूँ, इसके दोनों आंसर मैच करेंगे। इंग्लिश में देखिए, यदि इसमें इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस नहीं है, कोई एक है, तो आप उस आंसर को चुनिए। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में हमने देखा तो उसमें आउटर डाया दिया है, तो ये आउटर डाया हम टिक कर देंगे। इनर डाया, आउटर डाया ये दिया है, और आंतरिक व्यास ये दिया है, तो इसमें एक रेडियस के द्वारा दोनों व्यास हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फीलर गेज का उपयोग टेटस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा फीलर गेज होता है ये हमारे दो पार्टों के बीच का गैप या जगह को चेक करता है, तो इसका डी आंसर में देखिए गैप लिखा हुआ है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, स्क्रू पिच गेज का उपयोग किस रेंज में कार्य करता है? तो जो हमारा स्क्रू पिच गेज होता है, हमारा स्क्रू पिच गेज की रेंज होती है 0.25 से 6 mm। तो इसमें 0.25 से 6 mm कहीं नहीं दिया, लेकिन 0.35 से 5 mm दिया है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 7वां क्वेश्चन, चूड़ी के दोनों साइडों के सीस जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो चूड़ी की दोनों फिलें के जहाँ मिलती है उसे हम क्रेस्ट कहते हैं, लेकिन क्रेस्ट ऑप्शन कहीं चारों में है नहीं, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम है, तो स्क्रू पिच गेज जो है था चूड़ी के पिच को चेक करता है, तो इसको हम पिच गेज भी कहते हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन, फिलर गेज के दूसरे नाम को जाना जाता है, यानी फिलर गेज से दो पार्टों के बीच का क्लियरेंस चेक करते हैं, इसलिए हम इसे क्लियरेंस गेज कहते हैं, या गैप गेज भी कहा जाता है, लेकिन इसमें क्लियरेंस गेज हमें मिल रहा, तो सबसे पहले हम आंसर लगाएंगे क्लियरेंस गेज। इसके बाद 10वां, BA चूड़ी का कोण होता है, तो अभी मैंने बताया था BA चूड़ी सबसे महीन चूड़ी होती है, तो इसका कोण 47.5 डिग्री होता है, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, एक निश्चित स्टडी रेस्ट को लेथ पैड पर बांधा जाता है, यानी ये निश्चित स्टडी मतलब फिक्स स्टडी की बात हो रही है, तो हमारी जो लेथ मशीन पर फिक्स स्टडी होती है उसको एक ही जगह पर बांधा जाता है निश्चित स्थान पर, तो इसका आंसर फर्स्ट आंसर होगा, केवल एक निश्चित स्थान पर समर्थन करना या जॉब को सहारा देना। 12वां क्वेश्चन, MT अक्षर से डिनोट करते हैं तो ये कितने उपलब्ध होते हैं? तो हमारे MT टेपर जो होते हैं वो 0 से 7 तक होते हैं, MT 0 से MT 7 तक होते हैं, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, MT का फुल फॉर्म मोस्ट टेपर होता है। 13वां क्वेश्चन, अलॉय धातु लेपिंग के लिए उपयुक्त एब्रेसिव है, तो जो लेपिंग करते हैं तो इसमें जो हमारा एब्रेसिव होता है वो ग्राइंडर से उल्टा चलता है। ग्राइंडर में हार्ड मेटल के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, लेकिन लेपिंग में अलॉय धातु तथा सॉफ्ट धातु के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जबकि ग्राइंडर में उल्टा होता है। 14वां, थोड़ी सी झुकी हुई शाफ्ट को ड्राइव के लिए अनुमत बेयरिंग है, यानी झुकी हुई शाफ्ट पर हम किस बेयरिंग का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम रोलर बेयरिंग का उपयोग करते हैं, या टेपर रोलर बेयरिंग का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, बंधित एब्रेसिव पत्थर के माध्यम से गोल छिद्रों को फिनिश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी गोल छिद्र को फिनिश करना है और हमें एब्रेसिव का यूज करना है, तो गोल छिद्र को एब्रेसिव के द्वारा साफ करने वाला एक माध्यम होता है जो होता है होनिंग, तो इसका आंसर होनिंग होना चाहिए। इसके बाद
लैब पर एब्रेसिव ग्रेन की इवेंडिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैब जो होता है उस पर हमें एब्रेसिव ग्रेन्स को भरना पड़ता है जहां हम लैपिंग क्रिया करने वाले होते हैं। तो एब्रेसिव ग्रेन्स का पेस्ट भरते हैं, उस क्रिया को हम चार्जिंग कहते हैं। उसमें जो स्लॉट बने होते हैं उसमें हम उस पेस्ट को भर देते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, गेज के समान भुजाओं पर गो नो गो सिरा के साथ प्लग गेज होता है, यानी समान भुजा पर मतलब एक ही तरफ गो नो गो होते हैं तो उसे हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो इसका बी आंसर प्रोग्रेसिव प्लग गेज हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, षटकोणीय सॉकेट हेड स्क्रू उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या, यानी कि हम एलन स्क्रू का उपयोग क्यों करते हैं? एलन स्क्रू को हम षटकोणीय सॉकेट हेड स्क्रू कहते हैं क्योंकि वो अंदर बैठ जाता है। तो इससे क्या होता है, ये सतह से ऊपर ऊपर नहीं रहता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू हेड के प्रोजेक्शन से बचना। 19 नंबर क्वेश्चन, काउंटर बोरिंग डॉट डॉट के लिए की जाती है, तो ये की जाती है सॉकेट हेड स्क्रू के समायोजन के लिए काउंटर बोरिंग करते हैं। इस तरीके से काउंटर बोरिंग होती है। तो काउंटर बोरिंग में क्या होता है कि हमारा जो स्क्रू होता है, जैसे मान लो स्क्रू लगाया तो ये अंदर बैठ जाता है और ऊपर उभरा हुआ सतह पर उभरा हुआ नहीं रहता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, लेथ कटिंग टूल के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाली सामग्री क्या है, यानी लेथ कटिंग टूल किसका बना होता है, उस सामग्री पूछी गई है। तो ये हाई स्पीड स्टील का होता है, लेकिन इसमें कहीं है नहीं, तो इसमें हम हाई कार्बन स्टील लगा देंगे। हाई कार्बन स्टील का मतलब होता है उच्च कार्बन इस्पात, इसे हम टूल स्टील के नाम से भी जानते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, ये 21 होना चाहिए था, 21 माल स्टील की कटिंग करने के लिए क्या होता है, तो माल स्टील की कटिंग करने के लिए जो हमारा कटिंग तरल या कूलेंट होता है वो सोल्यूबल ऑयल होता है जिसमें हम ऑयल और पानी मिलाते हैं। तो फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा ब्लैक ऑयल और पानी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ये मानव निर्मित एब्रेसिव है, मानव निर्मित एब्रेसिव होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें है नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड है, तो सिलिकॉन कार्बाइड एक कृत्रिम एब्रेसिव हो जाएगा जो मानव द्वारा बनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, अनियमित रूप से आकार वाले कारखंड को लेद मशीन पर प्रयोग करने के लिए अनियमित आकार की जॉब को पकड़ने के लिए बेस प्लेट का उपयोग करते हैं, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन मैं करता हूँ, सामान्यीकरण के दौरान घटक को ठंडा किया जाता है, यानी कि हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं, तो हम घटक को क्या ठंडा करते हैं, स्थिर वायु से कमरे के तापमान में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वायु में, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग क्रिया हम के कमरे के अंदर करते हैं। सामान्यीकरण का क्या उद्देश्य होता है, सामान्यीकरण जो नॉर्मलाइजिंग क्रिया क्यों की जाती है, तो स्ट्रेस को रिफाइन किया जाता है, जो स्ट्रेस आ जाते हैं उनको रिफाइन करते हो, रिफाइन शब्द से आप समझ जाओगे। 26 नंबर क्वेश्चन, आवश्यक गुणों को प्राप्त कर इस्पात की रचना चार्ज करने के लिए गर्म और ठंडा, तो ये गर्म और ठंडा जो होता है ये टेम्परिंग में होता है, क्योंकि टेम्परिंग में किसी जॉब को गर्म करके हम पूरा ठंडा नहीं करते, थोड़ी सी नौ को ठंडा करते हैं, ऊपर गर्म रहता है, इसलिए गर्म ठंडा से आप टेम्परिंग समझिए। इधर 27 नंबर क्वेश्चन से, एक मिनट की सटीकता में घटक को कोण को मापा जाता है, तो एक मिनट की सटीकता में जो कोण का मापन जो होता है वो साइन बार से होता है, तो स्लिप गेज के साथ साइन बार से डी आंसर राइट आंसर दिया है। इसका 28 नंबर हम क्वेश्चन करेंगे, 28 नंबर, कौन सी गेज एक शाफ्ट की लंबाई का आयामी सीमा चेक करने के लिए उपयोग होता है, यानी कि हमें शाफ्ट की आयामी सीमा, कोई शाफ्ट है तो शाफ्ट का साइज किससे लेते हैं, ब्यास से, तो उसका ब्यास जो है आयामी सीमा कहलाएगा शाफ्ट का ब्यास। तो ब्यास हम किससे चेक करते हैं, रिंग से चेक करते हैं, क्योंकि रिंग बाहर से जाएगी तभी बाहर के ब्यास को चेक कर पाएगी। स्पर्श रोलर की सेंटर लाइन और साइन बार का डेटम प्रेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक साइन बार बना के आपको दिखा देता हूँ। साइन बार जैसे इस तरीके से रहता है, इसमें दो रोलर होते हैं, तो ये रोलर की सेंटर लाइन, तो एक लाइन में खींच देता हूँ सेंटर में, और जो हमारा जहाँ पर ये सरफेस प्लेट पर ये कॉन्टैक्ट करता है उसकी सतह, तो ये सतह और ये सतह दोनों समांतर होती है, तो इसका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही एग्जाम में आता है कि साइन बार के कॉन्टैक्ट रोलर की सेंटर लाइन और डेटम सतह के बीच का एंगल कितना है, यानी कि ये लाइनें कैसी होती हैं, तो ये लाइनें समांतर होती हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के फिट एक वॉल बेयरिंग और शाफ्ट के बीच किस प्रकार का फिट लगता है, इंटरफेरेंस फिट लगता है, जो हथौड़ी से ढोक के हम वॉल बेयरिंग को फिट करते हैं। इसका 31 नंबर क्वेश्चन, चरम तापमान के ऊपर हीटिंग की क्रिया प्रक्रिया, यानी हमने यूसी यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हमने ऊपर गर्म किया और गर्म करने के बाद ठंडा या खुला वायुमंडलीय हवा के रूप में, यानी हमने उसको खुली हवा में ठंडा किया, तो खुली हवा में टेम्परिंग नहीं होगा, नॉर्मलाइजिंग नहीं होगा, हार्डनिंग भी नहीं होगा, इसका आंसर हो सकता है एनीलिंग, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, रोलर स्पर्श बेयरिंग का दूसरा नाम है रोलिंग स्पर्श बेयरिंग का, तो रोलर बेयरिंग जो होती है उसमें घर्षण नहीं होता है, तो इसका आंसर घर्षण रहित बेयरिंग एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग, इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन, एक सेंटर लेथ पर विभिन्न फीट की चूड़ियाँ, यानी विभिन्न फीट की चूड़ियाँ काटना, हमें फीट को चेंज करना है, पिच को भी चेंज करना है, तो ये हम एप्रन सिस्टम यानी एप्रन पर लगे लीवर के द्वारा हम फीट को भी चेंज कर सकते हैं, पिच को भी चेंज कर सकते हैं। इसका 34 नंबर क्वेश्चन, एक स्क्रू जिस स्क्रू अपने चूड़ी किए छिद्र के माध्यम से मिलान करने वाले
भागों को सेट करने में सक्षम, यानी चूड़ी किए छिद्र के माध्यम से मिलान करने भागों को सेट करने में सक्षम, यानी कि इसमें हमें स्क्रू का नाम बताना है जो छिद्र के माध्यम से मिलान करने वाले भागों, छिद्र के माध्यम से चूड़ी किए छिद्र, यानी ऐसा स्क्रू जो चूड़ी किए गए छिद्र के में सेट हो जाएगा, सक्षम है और वो प्रोजेक्ट नहीं करेगा, अर्थात ऊपर उभरा हुआ नहीं दिखेगा, तो इसका आंसर होना चाहिए सॉकेट हेड स्क्रू। लेकिन इसमें ये दो ऑप्शन जो है ये मिट गए हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो इसका आंसर सॉकेट हेड स्क्रू होना चाहिए। 35 नंबर, ड्रिल किए गए छिद्र के आकार से, छिद्र के आकार से बड़ा होता है, इसका कारण क्या है? जब हम कोई ड्रिल करते हैं तो हमें 10 का मान ली ड्रिल होल करना है, लेकिन 10 mm से अधिक हो जाता है, तो इसका कारण होता है कटिंग लिप्स की लंबाई असमान होना या लिप एंगल का असमान होना। तो एंगल का इधर ऑप्शन नहीं है, तो कटिंग किनारे का असमान होना, यानी कटिंग लिप्स की लंबाई का असमान मतलब अलग अलग होना, तो इससे क्या होगा, होल ओवर साइज में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा 36। एक कोण का सबसे छोटी इकाई, यानी कोण मापने की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, सेकंड से बड़ी मिनट होती है, मिनट से बड़ी डिग्री होती है। इसका 37 नंबर क्वेश्चन हमें करना है, इसमें पूछा क्या गया है, ये हमारा कटिंग स्पीड वाला है, तो इसमें जॉब का व्यास डी ज्ञात करें, हमें व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने का जो सूत्र होता है वो था कटिंग स्पीड इंटू 1000, लेकिन कटिंग स्पीड को भी बोला गया है, तो कटिंग स्पीड भी इंटू 1000 बटे पाई इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि एन जब सामने होता है तो डी नीचे रहता है, और जब ये देखिए दोनों इंटरचेंज होते रहते हैं, वो जब डी नीचे होगा तो एन सामने होगा, तो आरपीएम में हमारा सूत्र बनेगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई इंटू डी, और डाया में बनेगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे पाई इंटू एन। तो इसका देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, इसमें फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टूल एंगल समतल टर्निंग के दौरान चिप सूचना नियंत्रित करता है, यानी चिप को नियंत्रित करता है, तो हमारा जो रेक एंगल होता है, देखिए चिप के नियंत्रित करने के लिए रेक एंगल होता है, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सी एंगल एक ट्विस्ट ड्रिल में रेक एंगल बनाता है, तो कौन सा एंगल, तो हमारा जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें इस प्रकार से हेलिक्स एंगल होता है, तो हेलिक्स एंगल और रेक एंगल मिलते जुलते रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, क्रॉस स्लाइड विधि द्वारा, हमें क्रॉस स्लाइड विधि से झुकाव टेपर काटना है, तो इसका एंगल जो होता है वो मैं एंगल आपको बता देता हूँ, क्रॉस स्लाइड को हमें झुकाव एंगल से टेपर एंगल का गणना का सूत्र, तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है डी माइनस डी बटे टू एल, तो ये देखिए कहीं दिया गया है टेन थीटा बराबर डी माइनस डी बटे टू एल होता है। स्लिप गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई, साइन बार का उपयोग कर एक एंगल सेट करते हैं जो किसका अनुपात होता है, तो देखिए जो साइन बार होता है वो साइन बार का नाम भी साइन है और साइन थीटा भी है, तो ये साइन थीटा पर आधारित है, तो इसका भी आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन, मापने वाले गेज को प्रतिरोध धारण करने की आवश्यकता होती जो ताप उपचार क्रिया आईडी को नए गुण प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती, यानी हमें गेज करना है, गेज को प्रतिरोध धारण करने की आवश्यकता है, यानी गेज में घिसावट ना हो, तो घिसावट ना हो तो गेज पर हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, तो इसमें नॉर्मलाइजिंग तो करना नहीं, एनीलिंग करना नहीं, अब हमारे पास रहे दो केस हार्डनिंग और टेम्परिंग, तो केस हार्डनिंग इसमें होगी नहीं, तो इसमें टेम्परिंग करना पड़ेगी गेज पर प्रतिरोध धारण करने के लिए, इसको टेम्पर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि केस हार्डनिंग होगी नहीं, ये अलॉय स्टील है, तो इसका डी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूत्र को एक टेलस्टॉक ऑफसेट विधि, तो टेलस्टॉक का जो ऑफसेट होता है, ऑफसेट का सूत्र होता है डी माइनस डी बटे टू इंटू कैपिटल एल बटे स्मॉल एल, तो देख लीजिए इसमें डी माइनस डी बटे टू इंटू कैपिटल एल बटे एल, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि डी माइनस डी इंटू एल बटे टू एल, तो इसका सी आंसर में देखिए लिखा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन, लेथ पर गियर या पुली पकड़ने वाली डिवाइस होती है, तो गियर या पुली जो रहते हैं वो बीच से खोखले रहते हैं, और खोखले जो को मैंडल से पकड़ते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। मिड सेंटर का कोण होता है, यानी डेड सेंटर का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है, तो दोस्तों डेड सेंटर और लाइव सेंटर दोनों पर मूव स्टेपर होता है, तो मूव स्टेपर में वैसे 60 डिग्री का कोण होता है, लेकिन इसमें 60 डिग्री ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो 60 डिग्री नहीं है, तो फिर हम चाहें तो 90 इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री ही स्टैंडर्ड होते हैं। इसका 40 नंबर क्वेश्चन, लेथ के लीड स्क्रू पर कौन सी चड़ी होती है, तो लेथ के लीड स्क्रू पर जो चूड़ी होती है वो लीड स्क्रू पर एक्मी थ्रेड होती है, जिसका कोण 29 डिग्री होता है, ये भी याद करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, सेंटर लेथ को सेंटर ड्रिल को भी कहा जाता है, तो जो हमारा सेंटर ड्रिल होता है इसमें दो क्रियाएँ होती हैं, ड्रिलिंग प्लस काउंटर सिंकिंग, ये याद रखिए कि सेंटर ड्रिलिंग में कौन सी क्रिया होती है, तो ड्रिलिंग प्लस काउंटर सिंकिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये लगातार ड्रिलिंग करता है, तो इसे हम
कंबाइंड डेल्व के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सी आंसर होता है। लेथ बेड डॉटर किसके बना होता है, तो डलवा लोहे का बना होता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, लेथ पर उपयोग किए जाने वाले एंगल प्लेट का फेस होता है, तो लेथ पर जो एंगल प्लेट उपयोग करते हैं उसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, फेस प्लेट किसके बने होते हैं, तो फेस प्लेट हमारा ढलवा लोहे का बना होता है, तो इसका आंसर ढलवा लोहा हो जाएगा। तो दोस्त ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे ITI के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जो दो पेपर होने हैं बोरिंग टेक्नीशियन और ट्यूबवेल इसका क्या नाम की UP मेट्रो, तो इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कोई अलग नहीं होता है। तो आप दोस्त हमारा वीडियो देखते रहिए और आप ज़रूर सफल होंगे। और यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर आप हमसे फ़ोन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।